प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, जय माता दी। आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। आज साल का जो है अंतिम चंद्र ग्रहण है। आज दिन जो है शुक्रवार, दिनांक 19 नवंबर है। यह साल का जो है दूसरा और अंतिम ग्रहण है। खास बात यह है कि इस दिन जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी है। ये ग्रहण खग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आपको बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगा था और ये साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय समय अनुसार जो है 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण सुबह जो है 11:32 से शुरू कर शाम को 5:33 पर खत्म होगा। भारत में यह ग्रहण समाप्ति के दौरान आंशिक तौर पर देखा जाएगा। आंशिक होने की वजह से इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा, यानी पूजा पाठ संबंधित किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। कहां दिखाई देगा यह चंद्र, उस पर चर्चा करेंगे। यह जो है भारत के उपछाया दिखाई देगा इसका, और भारत में यह ग्रहण केवल अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में जो है दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। ज्योतिष के अनुसार यह चंद्र ग्रहण वृष राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा। किन राशियों को सावधान रहना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो है वृष राशि में लग रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को ग्रहण काल के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आएगी। इसके अलावा सिंह राशि, वृश्चिक राशि सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा इन राशियों को कुछ आर्थिक हानि होने की संभावना रहेगी। ग्रहण के काल के दौरान किसी भी तरह के निवेश से बचने की जरूरत है, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। किन राशियों को फायदा होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए अच्छे फल देने वाला है। यह ग्रहण का सबसे अच्छा प्रभाव जो है तुला राशि, कुंभ राशि, मीन राशि तथा इन राशियों को जो है काफी प्रभावित करेगा। सफलता मिलेगी, कैरियर में जो है बाधाएं जो आ रही है वो बाधाएं दूर हो जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण जो है उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार इस घटना को अशुभ माना जाता है। ग्रहण के जो है अशुभ माना जाता है और न ही इस काल को कोई इसमें शुभ कार्य किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए क्या करें ग्रहण में, तो ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन सफेद रंग की वस्तुओं को दान करना शुभ होता है। ऐसा करने से चंद्र दोष की मुक्ति मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण काल में चावल, चीनी, सफेद मिठाई या चांदी का दान करना जो है ना शुभ माना जाता है। नौकरी में तरक्की के लिए क्या करें, तो ग्रहण काल के बाद स्नान करने के बाद तिल से बने हुए सामान का जो है दान करें। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में तरक्की की बाधाएं दूर हो जाती है और तरक्की की राह जो है ना खुल जाती है। जीवन में शांति के लिए ग्रहण के दिन क्या दान करें, तो अगर आपका जीवन कई तरह से परेशानी है, अनेक समस्या से जूझ रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण के बाद मछलियों को आटे की जो है ना गोली खिलाएं। कहते हैं कि ग्रहण काल में घर से निकलना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद घर के पास किसी नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। अब जो है आगे हम चर्चा करेंगे, अगर रोग से मुक्ति पाने के है तो ग्रहण में कैसे मुक्ति पाए। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से रोग से पीड़ित है तो ग्रहण काल के बाद एक चांदी की कटोरा लीजिए। कटोरे में चांदी का सिक्का रखें और अपने उसमें छाया देखें। छाया देखने के बाद उस कटोरा को और चांदी के सिक्का को जो है ना दान कर दें। कहते हैं कि ऐसे करने से जो है ना असाध्य रोग में भी सुधार हो जाती है और हो जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय सीताराम। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।